एसआर रोबोटिक्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ तक इसको पूरा सेट कर लिया है। आप वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लेना। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, गत्ते के दो टुकड़े ले रहा हूँ, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टुकड़े हैं इसमें देखिए ग्लू गन लगा के मैं जो एंगल है 45 डिग्री के एंगल पर बैंड कर रहा हूँ इसको। क्यों? क्योंकि मुझे सर्वो को इंटरनली थोड़ा सा झुका के रखना ताकि वो मिरर के पैडलर में रहे। तो आप कैसे भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 45 डिग्री के एंगल कर दिया था। इसके अलावा देखिए मैं सर्वो के हिसाब से इसमें थोड़ी सी कटिंग कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी सर्वो को इसके अंदर फिट कर सकूँ। तो आप चाहे तो इससे कर सकते हैं या थर्मोकोल भी लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से मेरी सर्वो इसके अंदर। सो गाइज, ये है हमारे पास कोड और ये मेरा वेबसाइट का मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है sarrobotics.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए कोड है हमारे पास, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बिल्कुल 100% वर्किंग है। मेरे सारे कोड 100% वर्किंग है, टेस्टेड है। तो इस कोड को पहले रन कराना है आपको, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नाइट पर रन कराना। देखिए आपको कोडिंग नहीं आता, यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लीजिए सॉफ्टवेयर को कैसे रन करते हैं, ठीक है। कोड कॉपी करना है, कॉपी मैंने जो कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है ना उसको कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको रन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये एरो है ये अपलोड का बटन है, तो अपलोड तब करें आप जब। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये जो बोर्ड है इसके आप आर्डिनो निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कोड पहले आप ज़्यादा बेटर है, कोड इसमें पहले डालें फिर कनेक्शन करें, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद कोड अपलोड नहीं होता है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए आराम से निकालना बिल्कुल, और ध्यान रहे आपको कि ये पॉइंट इधर रहना चाहिए, ये रेड वायर वाला पॉइंट VCC इनपुट वाला नीचे है, ठीक है। मैं इसको निकाल दिया, अब मैं इसमें कोड अपलोड कर रहा हूँ। पहले ही आप अपलोड कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जब सोल्डिंग करो उससे पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे कोड का कनेक्टर जो लगा देता हूँ, ठीक है। ये LED ब्लिंक कर रही है, इसमें पहले कोई दूसरा कोड डाला हुआ है इसलिए ब्लिंकिंग का कोड चल रहा है। अब मैं यहाँ पे देखिए ये कोड जो है यहाँ पे अपलोड पर एरो का बटन है, उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। वो LED ब्लिंकिंग जो है हमारी बंद हो जाएगी, और देखिए यहाँ पर डन कंपाइलिंग लिखा आ जाएगा, डन अपलोडिंग लिखा आ जाएगा नीचे। यहाँ पर डन अपलोडिंग लिखा गया, सब अपलोड हो गया। देखिए आपको अगर ये दिक्कत है अपलोड करने में तो ध्यान रहे, यहाँ पर टूल में जाइए और ये कॉम पोर्ट जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा 4 आ रहा है, आपका कौन सा आएगा देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नैनो बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका नैनो पर अपलोड नहीं होता है तो आप इसको ये ऊनो पर अपलोड कर लें, ठीक है। इस पर क्लिक करें फिर अपलोड कर लें, ठीक है। तो आप इसका अपलोड कर सकते हैं कि दो तीन तरीके से अपलोड होता है, नैनो पे अपलोड हो जाता है, ऊनो पे भी अपलोड हो जाता है, तो बहुत सारी केबल का भी फर्क आता है। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर ले, ठीक है। हम फिलहाल फिर भी इसमें कोड डाल के देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जो किट मिलेगा, तो टेंशन नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का आपको, ठीक है। मेरा भी ये नैनो पे हो रहा है तो मैं नैनो सेलेक्ट कर रहा हूँ, वापस अपलोड कर देता हूँ कोड को, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया नीचे डन, ठीक है, कोड अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, और याद रहे यहाँ लगाते समय ये गलती ना हो आपसे, ये जो कनेक्टर लगाना है हमें याद है, हमें वी इन नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड है तो रेड वायर जहाँ है ना देखो ये, तो ये नीचे होना चाहिए। उल्टा लगा दोगे ना तो चलेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सही सीधा लगा बिल्कुल देख के लगाना एकदम, कनेक्टर जो है ना लास्ट के देखिए ये नीचे नीचे वन बाय वन आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। ये लगाया मैंने थोड़ा थोड़ा करके लगाया आप इसमें, और जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्टर में पावर लगाएंगे अगर ये सही लगा होगा तो इसमें लाइट जल जाएगी। देखिए लाइट जल रही, इसका मतलब सही लगा हुआ था। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है sarrobotics.in, जहाँ पे आपको मिलेंगे सब बेस्ट से बेस्ट यूनिक प्रोजेक्ट्स, और फास्ट डिलीवरी के साथ विद इन 3 to 4 days के अंदर आपके पास ये प्रोजेक्ट्स पहुँच जाएंगे, और शिपिंग भी फ्री कर दी है मैंने इसके अंदर। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और आपके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर ऊपर कार्ट आएगा, उस कार्ट में क्लिक करने के बाद चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल में एड्रेस भरिए और पेमेंट कर दीजिए। गाइस देख लेते इसकी टेस्टिंग करके, ये कनेक्टर आप इस पर लगा दीजिए, ठीक है। बैटरी एकदम ये SW ले रहा हूँ, ओरिजिनल आती है। इसके अलावा EW HIW ख़राब होती है बैटरी, और एवरेडी की बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें ये कनेक्ट कर दिया, जैसे कनेक्ट किया है ठीक है अपनी हल्की सी मूवमेंट देगा। अब इसमें जैसे हम पानी डालेंगे तो ये मूवमेंट चालू हो जाएगी। टेस्टिंग कर लेते हैं हमारा कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए इसे पानी डाल के देख लेते हैं। मैं अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ ताकि आपको इसका वर्किंग का पता लग जाए। पानी ये देखिए, जैसे पानी डाला देखिए हमारी वर्किंग चालू हो चुकी है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये किस पार्ट पे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आप ये जो ये है लेफ्ट और राइट, इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है ठीक है। आप चाहे तो इसकी पोजीशन को इस तरह से निकालें आप, ये इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे भी चेंज हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। इस चीज़ से खास के ध्यान रखें आप,
पानी बहुत ज़्यादा होगा तभी बारिश होगी, नॉर्मल पे ये चालू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल एक दो बूंदे आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे जो है ये ज़्यादा लगा रखा, जितना ज़्यादा पानी है मतलब बारिश तेज़ आ रही है तभी सेंसर एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये इस तरह से पानी में आप इसको डुबो दे या पानी से भर दे इसके अंदर, तभी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बोला था, देखिए मुझे पता है कि ये इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको सेट करना है कुछ पोजीशन इस तरह से, हाँ इस तरह से सेट करना है। देखिए मेरे पास ये जो है मैंने इसको बार बार सेट कर लिया अपने हिसाब से। अब देखिए ये मेरी पोजीशन जो है इस तरह से आनी चाहिए, देखिए यहाँ देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रही है। तो इस तरह से आप पोजीशन को निकाल के सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको चिपका देते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मतलब कहने का मतलब है जैसे इसमें पानी सूख जाएगा ये वाइपर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। पानी आएगा मतलब बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई तो वाइपर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे स्टिक चिपकाना है। इसके अंदर आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल देखिए आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो ये आइसक्रीम से ऐसे ऐसी आती है, ये आप इस कनेक्टर पे चिपका दें गम से और उसके भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये यूं यूं वर्क करेगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा कलरफुल बनाना है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल है, मैं बैलून हेडर बोलते हैं इसको, एक्चुअली प्लास्टिक का पाइप टाइप बोल सकते हैं, रिफिल प्लास्टिक का पाइप कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लुक देगा इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसके अंदर मैं थोड़ी सी गम भर देता हूँ फिर इसको फिक्स कर देता हूँ। ये मैं इसमें थोड़ी सी गम डाल दी है मैंने अंदर तक, ताकि ये मेरा ना सॉलिड हो जाए और कोई मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। ये रहा मेरा कनेक्टर और ये मैंने इसमें लगा के छोड़ दिया, ठीक है, ताकि अभी इजीली फिट हो जाएगा। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं, लकड़ी स्केल कुछ भी लगा सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। आप चाहे तो देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जब इस पर चिपकाएंगे आप तो इसमें ड्रिल करके इससे नट को भी कस सकते हैं। मतलब इसमें नट जो है ना, आपको मैंने बताया था कि नट वो मिलता है, देखिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया फिलहाल, ये ऐसे ही मेरा टाइट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका निकल रहा है तो आप नट लगा दें। नट कहाँ है, मैं नट आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ, नट कहाँ चला गया। सो ये मेरे को नट इस सर्वो मोटर के साथ ही आता है, मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ, ठीक है। आप भी आइसक्रीम स्टिक में छेद करके इसको इजीली फिट कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं और परमानेंट हो जाएगा मस्त, मतलब परमानेंट मतलब आप इसको बार बार यूज़ कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहा हूँ ताकि मेरा ये बिल्कुल नहीं निकले, लेकिन पोजीशन मैंने पहले सेट कर ली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने हल्का सा इसको चला के सेट कर लिया था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ताकि इसकी पोजीशन बिगड़े नहीं, ठीक है। अब इसको आराम से यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल शानदार लुक आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का लुक आ रहा है इसके अंदर। अब ये क्या वर्क करेगा, ठीक है, आपको एक बार टेस्टिंग दोबारा करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे ये रखा, उसके बाद जैसे मैं इस पर पानी डालूंगा, ठीक है, फिर पानी आ जाए थोड़ा सा, बस देखिए यहाँ पे मैं पूरा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरा थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो मुझे इसकी पोजीशन में दोबारा निकाल नट निकाल कर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नट को दोबारा खोलता हूँ। देखिए आप इसको लगाने के बाद ध्यान रहे, जब भी आप इसको लगाएंगे तो या तो ये इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा। और देखिए इसको चला के देख लीजिए, मैंने इस पर पानी की बूंदें हैं थोड़ी फैला देता हूँ ताकि ये चलने लग जाए। ये देखिए चला के देख लीजिए इसको कि ये बिल्कुल सही तो चल रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अभी हम इसके अंदर इसको लगा देते हैं, ठीक, ये पोजीशन बिल्कुल सही है। अभी मैं नट इसके अंदर लगा देता हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपको अगर रहता है तो आप सेट कर सकते हैं। सो ये देखिए पोजीशन पे सेट कर दिया है मैंने, बहुत मुश्किल से सेट हुआ मुझसे, सही बताऊँ तो दो तीन बार करना पड़ा मुझे। ओके, तो ये देखिए मैंने इसको डबल साइड टेप लगा लिया, बिल्कुल नज़दीक जितना आप इसको लगा सकते हैं उतना आप लगा लीजिए, और हो सके तो मिडल में लगाइए इसको, बिल्कुल मैंने नज़दीक लगाया। चलिए दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिलहाल मैं पानी ना डाल के ये शॉर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये शॉर्ट करने के भी चलता है। ये देखिए वाव परफेक्ट, शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है और शानदार वर्किंग है। देखिए वाइपर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है प्लीज़ वीडियो पूरा देखना तभी बनेगा ये, ठीक है। और मैंने इसका बाय लिंक भी दे दिया नीचे, आप वहाँ से डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको चिपका देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार वापस चला के बताऊँगा पानी से। सो गाइस ये हमारा देखिए फाइनल लुक के अंदर तैयार हो चुका है। देखिए हमारा किस तरह से कार वाइपर का एक मिरर वर्क कर रहा है,
एक्चुअल में कार के अंदर से लुक इस तरह से रहेगा, लोग बाग यहाँ बैठ रहते हैं और ये हमारा वाइपर जो है यहाँ से इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ये इसका लुक है। आप इसमें चाहे तो एक कटोरी में रख के या ढक्कन में रख के पानी इसमें ज़्यादा फिल कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंसर को फिट कर दिया है मैंने, कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। इसके अलावा बना बनाया अभी मैंने लिंक में दे दिया आपको किस तरह का मिल सकता है और किट भी अवेलेबल कर दिया। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए बैटरी को मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे मेरी जो सर्वो है अपने आप अपनी पोजीशन ले लेती है, ठीक है। चलिए पानी डालते हैं इस पर। पानी देखिए, नॉर्मल बारिश होगी तो ये वर्क नहीं करता, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई तो ही वर्क करेगा। इसका मतलब यही है कि जैसे बारिश ज़्यादा आएगी, देखिए बारिश की बूंदें पूरी आ चुकी है इस पर, तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है। प्लीज़ लाइक और कमेंट तो बनता है, बताइए आपको ये यूनिक किस तरह कैसा लगा। आप पास से भी दिखा देता हूँ, देखिए शानदार वर्क कर रहा है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पानी की बूंदें सूख जाएगी ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं इस पानी की बूंदों को हटा देता हूँ। देखिए पूरा पानी आ रहा है इस पर, ये हटा दिया मैंने इस पर, देखिए बंद हो चुका है, पोजीशन भी बंद हो गया अपनी, ये इसी खास बात है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है, प्रोग्रामिंग वाला है। देखिए पानी की बूंदें आई, वापस वर्क करने लग गया। इस पर पानी की बूंदें चली गई तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। देखिए मैं पानी की बूंदें दोबारा लगा रहा हूँ इस पर, ये वर्क कर रहा है, फिर अब रुक जाएगा। पानी की बूंदें हटा दी थी इसके अंदर, ठीक है। हम पानी की बूंदें दोबारा डालेंगे, दोबारा वर्क करने लग जाएगा। देखिए दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए वर्क कर रहा है। जैसे ही पानी की बूंदें इस पे से हट जाएगी, ये वापस हमारा बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया, ठीक है। तो फाइनली बन गया है। चलिए आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह कैसा लगा ये प्रोजेक्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में।